Hello students, hello friends, welcome again to our channel Pink Topper. जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था, जिसको बच्चों ने काफ़ी लाइक किया और कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स ने ये लिखा था कि सर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जल्दी बनाइए। तो हमारी टीम ने उस पर काफ़ी वर्क किया और जल्दी जल्दी से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के थे छांट के हमने 7 या 8 बुक से रेफरेंस लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो 10th साइंस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट रेपिटेटिव हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। हमारी टीम ने इस पर काफ़ी रिसर्च की और वो क्वेश्चंस फाइंड आउट किए जो इस बार CBSE और HBSE दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी के, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 बायो के लेसन से क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो साइंस के लास्ट के 2 लेसन हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ आप इसके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को अलाउ कर दीजिए। तो जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो में मैं आपको 24 वो क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ जो कि बायो के बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से करके जाइए। ये मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे ही आएंगे, 80-90% चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के पेपर में आने के। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है बायो का उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्राकर्म। तो इसके मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही बार पेपर में पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करके जाइए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बायो में डायग्रामिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस के साथ एक बहुत ही अच्छा लेबल्ड पेंसिल से डायग्राम बना के जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं बायो में। हम पेपर किस तरह से करते हैं, हमारे पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। कुछ बच्चों का कंटेंट 2 बच्चों का सेम होता है, लेकिन फिर भी कई बच्चे उसमें ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाते हैं क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स उनके अच्छे होते हैं। अगर आपको भी अपने पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे करने हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, मैंने एक वीडियो बनाई है पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स की, उसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है कि कैसे हम अपने पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डायग्रामिंग को, पेपर को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बायो के 24 क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ जो आप अच्छी तरह से करके जाइए ताकि आप अच्छे से नंबर अचीव कर सकें। फर्स्ट जो लेसन है लाइफ प्रोसेस, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप अच्छी तरह से करके जाइए। क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या एक किडनी का पार्ट होता है जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग हर बार पेपर में पूछी जाती है। इसका हिंदी में क्वेश्चन का है विकराणु की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन अगर बायो में आपके पास डायग्राम लिखा हुआ है कि विद डायग्राम, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो भी उस क्वेश्चन का आपको डायग्राम बना के आना ही आना है, क्योंकि डायग्राम के ही नंबर होते हैं बायो में। अगर चेकर है वो क्वेश्चन है, ऊपर आपने कंटेंट लिखा हुआ और नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, तो सबसे पहले उसका ध्यान डायग्राम पर ही जाता है कि बच्चे ने डायग्राम सही बनाया हुआ, उसकी लेबलिंग सही की हुई है। उसके बाद अगर आपका डायग्राम ठीक है तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो डायग्राम आपको बहुत अच्छा बना के आना है नेफ्रॉन का, ये आपकी सभी की बुक में क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। 2019 में आने के इसके 100% चांसेस है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इस लेसन का है, आपको 4 सिस्टम करने हैं जो कि हमारी बॉडी के होते हैं। इन चारों में से 1 या 2 सिस्टम पक्का आएंगे, या तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन, तो 100% आते ही आते हैं। कौन कौन से चार सिस्टम हैं? सबसे पहला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य की पाचन क्रिया।
दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जो ब्लड जिसमें होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से करिए। और चौथा सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारा उत्सर्जी तंत्र। तो ये चार सिस्टम है, अच्छी तरह से इन चार सिस्टम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इन चारों में से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का क्या यूज़ होता है। अगर आपने चार सिस्टम अच्छी तरह से पढ़े ही नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा कि बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। बाइल जूस जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो अगर आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को, इन चारों सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे, तो आप इनसे शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से, और इन लॉन्ग क्वेश्चन में तो इनके आने की गारंटी है ही है। तो ये चार सिस्टम आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, बायो में ये चारों सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ प्रोसेस लेसन का, बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी और शिरा में क्या अंतर होते हैं। आर्टरीज और वेन्स, हमारी दो तरह की नसें होती हैं, एक ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं हमारे हार्ट से, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। इन दोनों के अंदर हमें डिफरेंस पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ आर्टरी व्हाट इज़ वेन, या फिर इनके अंदर डिफरेंस पूछे जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से करके जाइए, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डायलिसिस एक्सप्लेन इट, अपोहन क्रिया किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझाइए। डायलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये भी आप अच्छी तरह से करके जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक और डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वावीय तथा अवावीय श्वसन में क्या अंतर है। ये दोनों डिफरेंस, एक तो आर्टरीज और वेन्स वाला, और एक एरोबिक और एनारोबिक वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरह से समझ के याद कीजिए, तभी आप साइंस में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो इस लेसन का है, वो आपको कुछ डेफिनेशंस करनी है, कौन कौन सी। सबसे पहली है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, कौन सी रिएक्शन होती है जब सनलाइट प्लांट पे पड़ती है, तो ये अच्छी तरह से कर लीजिए। दूसरी डेफिनेशन है ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स, यानी कि स्वपोषी तथा परपोषी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो ये छह क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस जीव प्रक्रम लेसन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स बायो में अचीव कर सकें। बात जो दूसरा लेसन है बायो का, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका हिंदी में नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे भी मैं आपको छह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरोन, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अगर आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायग्राम के साथ बनाने हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बायो के क्वेश्चन जितने भी हैं उनके डायग्राम आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, पेंसिल से 2-3 बार उनको बना के देख लीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। सेकेंड जो क्वेश्चन इस लेसन का है, वो है वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल, हमें आयोडीन युक्त नमक ही क्यों लेना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको भी प्रिपेयर करके जाइए कि क्यों हम आयोडीन से युक्त नमक ही लेते हैं। थर्ड, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स वेरियस पार्ट्स, हमारा जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर,
फंक्शन, स्ट्रक्चर हमें पेंसिल से अच्छी तरह से बना के आना है और उसकी फंक्शनिंग, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छी तरह से कर लीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे मार्क्स इसमें भी अचीव कर सकते हैं। इसका हिंदी में नाम है मानव मस्तिष्क के मुख्य भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन का, वो है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको हमें अच्छी तरह से करना है क्वेश्चन को, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। फिफ्थ, आपको एक हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, अगर आप चेक करेंगे प्रीवियस पेपर्स तो उसमें आप मोस्टली हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड पूछा ही मिलेगा। कौन कौन से हार्मोन से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने हैं, तो प्लांट हार्मोन, एक इंसुलिन और एक ग्रोथ हार्मोन, ये तीन तरह के हार्मोन होते हैं, आपको हिंदी में भी नाम शो हो रहे होंगे, तो ये हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करके जाइए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, गिव एग्जांपल। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। 6 क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन के, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो थर्ड लेसन है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। इसके भी मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इस लेसन को भी प्रिपेयर कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है बायोलॉजी का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस लेसन का वो है गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विभिन्न विधियां होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है 2007, 9, 11, 13, 14, सेट ए में भी, सेट बी में भी, सेट सी में भी, तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन वर्सेस क्रॉस पोलिनेशन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हिंदी में सेल्फ पोलिनेशन को कहते हैं स्वयं परागण और क्रॉस पोलिनेशन को कहते हैं पर परागण। तो परागण क्या होता है और सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आप अच्छी तरह से कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है एक और डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक वर्सेस लैंगिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, अब भी आने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं, अच्छी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लीजिए। इस क्वेश्चन को या तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें डिफरेंस बताइए, या फिर साइंस के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बल्कि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो बात वही है कि हमें डिफरेंस ही बताने हैं कि अलैंगिक में ये होता है, लैंगिक में ये होता है, लेकिन क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछ सकता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो आप जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे वो अच्छी तरह से समझ के कीजिए, किसी भी चीज़ को क्रैम मत कीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन विद डायग्राम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स और फीमेल्स, या तो नर का जनन तंत्र या मादा का जनन तंत्र डायग्राम के साथ आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में से एक वो पूछेगा, आपको दोनों अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं विद डायग्राम। ये था चौथा क्वेश्चन। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है इस लेसन का वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन डिटेल,
फूल के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। फ्लावर का एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में आया हुआ है, हर बार पूछा जाता है। तो ये अच्छी तरह से फ्लावर के जो पार्ट है, पेटल है, और वो हर जितने भी डायग्राम जैसे पार्ट है, लेबल डायग्राम अच्छी तरह से 2-3 बार बना के देखिए, बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस लेसन का है वो है, डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लेसन से। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो लास्ट बायो का लेसन है, 4th लेसन, इसके मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ, और जो 2 लेसन साइंस के रह गए हैं लास्ट के, उनकी वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा, ताकि आपकी साइंस की अच्छी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उन सबको प्रिपेयर कर सकें। जो 4th लेसन है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसका हिंदी में नाम है अनुवंशिकता तथा जैव विकास। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन 2011 से 16 तक लगातार कॉन्टीन्यूसली पूछा गया, 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में और 16 में भी। एक ये क्वेश्चन और एक जो अब सेकंड में क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो वाला, ये दोनों क्वेश्चन 11 से 16 में बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी 11 से 16 में पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है, समजात अंग व समरूप अंग को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी 11 से 16 में कॉन्टिन्यूस पूछा गया, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में और 16 में। तो ये 2 क्वेश्चन इस लेसन के, सबसे पहले कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, हाउ इज सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, और होमोलोगस ऑर्गन्स वर्सेस एनालोगस ऑर्गन्स, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से इस लेसन के प्रिपेयर कर लीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन है इस लेसन का वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्मुलेटेड बाय मेंडल। जो मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, मेंडल ने बहुत सी रिसर्च की थी, मेंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बुक में, उसने इनहेरिटेंस का ला दिया था, अनुवंशिकता का नियम दिया था, वो अच्छी तरह से कर लीजिए। मेंडल से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लीजिए 3rd। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस करने हैं किस किस में, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट वर्सेस रिसेसिव ट्रेट, इन दोनों में क्या अंतर होता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। तो इन दोनों में आप अच्छी तरह से डिफरेंस कर लीजिए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है, व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो फॉसिल के भी जितने भी क्वेश्चन है कि फॉसिल्स कैसे बने, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं या जीवाश्म क्या होते हैं, तो ये भी अच्छी तरह से कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का और बायो से रिलेटेड मेरी इस वीडियो का वो है, डिस्क्राइब द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन डिटेल। डार्विन के विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डार्विन की जो थ्योरी है, उसने एक थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। डार्विन की और मेंडल दोनों की थ्योरी अच्छी तरह से कर लीजिए, इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो ये थे बायो से रिलेटेड 24 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बायो में डायग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामिंग आप बहुत अच्छी तरह से करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, बार बार डायग्राम बना के जाइए, तभी आप साइंस में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं।
अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या आपकी 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और आपकी जो भी क्यूरी है उसका आंसर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने फिज़िक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो मैंने वो भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको भी वीडियो को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके भी देख सकते हैं। थैंक यू।